लौकी का चीला खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। अगर बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो आप ये डिश बना के देखिए, बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का चीला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा एंड प्रिंसेस। और गाइस, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लौकी का चीला बनाना। लौकी का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी ली थी जिसे मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है, और इसके जो सबसे बारीक वाला हिस्सा होता है, ये जो सबसे बारीक वाला हिस्सा होता है इसी से हमें इसे ग्रेट करना है, क्योंकि लौकी हमें थोड़ी बारीक ही चाहिए। और इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली थी जिसे मैंने एक घंटे के लिए पानी डाल के भिगो के रखा था, जो बहुत ही अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें एक कटोरी दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर दही हल्का सा खट्टा हो तो सही रहेगा, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसे एक मिक्सी जार में ले लेंगे और मिक्सी जार में इसे मिक्सी जार में पीस के एक अच्छा सा बैटर वाला पेस्ट बना लेंगे। हमने मिक्सी जार में इसे डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लिया है, और अब हम इसमें लौकी डालेंगे और लौकी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसे लौकी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी, करी लीफ और मिंट लीफ, और इन्हें सबको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा हम डालेंगे तिल डाल देंगे हम थोड़े से, और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, और हम बैटर को ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे कि जो हमारे इसके चीले बन जाएं। तो अपने हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा पानी भी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम इसके चीले बनाना स्टार्ट करते हैं। चीला बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है जिसे मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी, और उस पर देसी घी लगा के फिर उस पर चीले का बैटर डालूंगी। आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकती हैं, मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ। और इसे देसी घी को अच्छे से पैन पर फैला देंगे। पैन को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम इसमें बैटर डालेंगे और चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे हम अच्छे से थोड़ा सा फैला लेंगे। इसे अब हम अच्छे से सिक जाने देंगे, पहले इसका एक हिस्सा अच्छे से सेक लेंगे। देखिए हम चीले की एक साइड अच्छे से सिकने लगी है, देखिए हमको दिखाई दे रहा है। और अब हम इसको चीले को पलट देंगे, देखिए इसका एक हिस्सा कितने अच्छे से सिका है। अब हमने इसे पलट दिया है, और हम इसका दूसरा हिस्सा भी अच्छे से सेक लेंगे और इसे अच्छे से करारा हो जाने देंगे। पहले देखिए हमारा चीला कितने अच्छे से सिक गया है। लौकी का चीला सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना अच्छा बना है। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
और मेरी ये डिश भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।